एक बार फिर से कूड़ा कूड़ा हो रही है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया है। एमसीडी के सफाई कर्मचारी दरअसल हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे ये स्थिति हो गई है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का ढेर लग गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर कूड़े का अंबार लगा है। आज चौथा दिन है हड़ताल का और चौथे दिन की ये चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, विकास मार्ग और साथ ही निर्माण बिहार की तस्वीरें किस तरीके से जगह जगह पर कूड़े का अंबार लग गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। इसके अलावा एरियर, वर्दी और साथ ही जो अन्य सुविधाओं का वादा किया गया था वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लिहाजा वो हड़ताल पर जा रहे हैं और आज हड़ताल का चौथा दिन। हमारे सहयोगी राजेश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, क्या कुछ हालात है, क्या कुछ गंदगी का अंबार कहां कहां लगा है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा कि साल 2016 में किस तरीके से दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी और इसी के चलते वो हड़ताल पर चले गए थे और इसी की वजह से दिल्ली की तमाम सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया था। साल 2017 में एक बार फिर दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली और इसी के चलते एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का अंबार फैल गया है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग इलाके में। आप देख सकते हैं विकास मार्ग इलाके में जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। खास बात यह है कि कूड़ा पूरी तरीके से सड़ चुका है क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश का पानी इस कूड़े पे पड़ा और उसके बाद कूड़ा पूरी तरीके से सड़ गया। पूरे इलाके में इस कूड़े के सड़ने की वजह से बदबू काफी ज्यादा हो गई है, लोगों को यहां से गुजरने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वो अपने चेहरे पर नाक को ढक कर यहां से गुजर रहे हैं क्योंकि कूड़े के सड़ने की वजह से बदबू बहुत ज्यादा और बहुत गंदी बदबू पूरे इलाके में फैली हुई है। एक बात और गौर करने वाली है कि जहां पर यह कूड़ा पड़ा हुआ है ठीक इसके पीछे एक नर्सिंग होम है। इस नर्सिंग होम में जो मरीज भर्ती हैं उनको भी इस कूड़े की सड़न की वजह से उठने वाली बदबू से खासी परेशानी। पीछे आप जहां तक भी देख पा रहे होंगे वहां तक कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के V3S मॉल के बाहर। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में अगर बात की जाए इस पूरे इलाके की तो करीब 200 से 300 मीटर तक आप देख सकते हैं जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यह पूरा कूड़ा पूरी तरीके से सड़ चुका है क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी और बारिश के पानी इस कूड़े पे पड़ा और उसके बाद कूड़ा पूरी तरीके से सड़ गया। इस वक्त यहां पर पूरे इलाके में इतनी ज्यादा गंदी बदबू हो चुकी है कि यहां से लोगों का निकलना काफी दूभर हो गया है। लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इस कूड़े की बदबू की वजह से। हम लोग जो यहां पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारा भी यहां पे खड़ा होना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि अगर बात की जाए निगम कर्मचारियों की तो निगम कर्मचारियों का यह कहना है कि उनको सैलरी नहीं दी गई और इसी के दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे थे, रिपोर्ट आप देख रहे थे। चौथा दिन हो गया हड़ताल का और दिल्ली लगातार गंदी होती जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नगर निगम के लोग ले रहे हैं उससे आधे में अगर टैक्स के रूप में लेने लगे तो नगर निगम के कर्मचारियों की कई साल की सैलरी निकल आएगी, लेकिन इनसे जितना दिल्ली सरकार पैसा दे रही है उसको नहीं संभाला जा रहा, उसको पता नहीं कहां कौन सी ड्रेन में बहा दे रहे हैं। तो फिर इनके जो बॉसेस हैं नगर निगम के उनको इस पर चिंता करनी चाहिए। बीजेपी जो है वो आप पर इल्जाम लगा रही है। क्या इल्जाम? सरकार जो है इल्जाम क्या है? कौन सा पैसा नहीं दिया? पूछो उनसे। उस इल्जाम में आपको भी चाहिए कि उनसे पूछो कितना पैसा देना था। मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली नगर निगम के लोगों को, दिल्ली नगर निगम के नेताओं को कि अगर पिछली सरकारों से पैसा ज्यादा ना दिया हो तो नगर निगम के लोग ले रहे हैं उससे। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार से उसे बकाया पैसे नहीं मिल रहे। दिल्ली सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों से ज्यादा हमने पैसा दिए। सच कौन बोल रहा है ये बात की बात ये बाद में पता चलेगा, लेकिन दिल्ली की जनता फिलहाल परेशान है गंदगी से। हड़ताल की बड़ी बातें क्या है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कूड़ा कूड़ा दिल्ली हो रही है, हड़ताल पर बड़ी बातें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी 3 दिनों से हड़ताल पर है, आज चौथा दिन है हड़ताल का। वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तमाम जो अन्य सुविधाओं का आरोप था उन्हें नहीं मिल रहे,
आरोप है कि सितंबर तक की ही सैलरी मिली है, यानी सितंबर के बाद से सैलरी इन्हें मिली नहीं है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सितंबर तक की ही सैलरी मिली है और इसके साथ ही जो अन्य सुविधाएं एरियर वर्दी के साथ ही जो अन्य सुविधाओं की बात थी वो सुविधाएं नहीं मिली। सैलरी के लिए फंड नहीं देने का आरोप दिल्ली सरकार पर लगा है। और रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नगर से, सीधे उनका रुख करेंगे। रजनीश, आपकी कुछ रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से दिल्ली में जगह जगह पर कूड़े का अंबार होता जा रहा है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों से ज्यादा हमने पैसा दिए, लेकिन पेश तो जनता रही है और जो आंकड़े हैं, जो डलाव घर है जहां पर कूड़ा एक बार को ले जाकर इकट्ठा किया जाता है, सिर्फ वहीं पर 6000 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी देखा और अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली में कूड़ा फैल चुका है, खासतौर ईडीएमसी के तमाम इलाकों की अगर बात की जाए, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, कल्याणपुरी हो, गाजीपुर हो, मुस्तफाबाद हो, बाबरपुर हो, तमाम जगह इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। खास बात राकेश ये भी है कि एक दिन पहले जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की गई तो सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि वो लोग लगातार रिश्वत लेने में बिजी रहते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। ये आरोप भी सत्येंद्र जैन की तरफ से लगाया गया और आज इनडायरेक्टली दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जरिए भी इसी तरीके का आरोप लगाया गया। साथ ही राकेश, लक्ष्मी नगर की अगर बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो कूड़ा है वो फैला हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो आने वाले दिनों में निगम चुनाव है, सारी राजनीति